व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस गुड मॉर्निंग, हम लोग हैं आर्ट ऑफ लिविंग के बैंगलोर के आश्रम में। और भाई रात को पहली बार जगह चेंज हुई है पर नींद जबरदस्त आई मेरे को, है ना। आँख बार बार खुल रही थी, मेरे को दिमाग ऐसा था सुबह पहुंचना है, लेट नहीं होना। जब मैं बार बार आँख खुल रही थी, मेरा टाइम देख रही थी, आँख खुल रही थी और टाइम चल रहा था। और या उठ के फ्रेश हो चुके हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोगों को जाना है योगा करने के लिए। और आज का पूरा दिन जो मैं पूरा एटर्निटी पढ़ी ना, बहुत ही गजब है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे डिफिकल्ट टाइम आ चुका है मेरी लाइफ का, योगा ट्राई करना चाहिए। ये बहुत खुश हो रही है। मैं तो एक बार गिरेश को ऐसा बोला कि मैं कुछ बहाना बना के रह जाऊँ कि बैक पेन हो रहा है, तो ज़बरदस्त से लेके आई है मेरे को यहाँ पे। ये मेरे को फ़न लग रहा है सबसे मिलने का, बहुत ही अमेजिंग लोग मिल रहे हैं। जैसे हाय, हाँ इनको भी सीधा ब्रेकफास्ट करना था मेरी तरह। अंकिता ये सब करना है अंदर जाके। हाँ यार अंदर तो कितनी साइलेंस है, वे मेरे को डर लग रहा है अंदर। अच्छा फाइन सॉरी, चलो भाई साहब हमारा योगा सेशन हो चुका है ख़त्म। और कसम से मैं जितना डर रहा था ना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेसफुल लगा, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था। लेकिन हाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। कितनी इस साइड है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। और अंकिता सो गई थी मालूम है, लिटरली सो गई थी। एक और बात, यहाँ पे हमको काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मिले अनएक्सपेक्टेड। और उसके अलावा भाई यहाँ पे जो रिलैक्सिंग और एटमोसफियर है ना, ग्रीनरी वगैरह गजब, हिल स्टेशन से भी अच्छा है, मतलब अमेजिंग। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो यहाँ से वॉकिंग में 2 मिनट का रास्ता है। और यहाँ तक आने के लिए भी लोग काफ़ी लोग कैब ले रहे, पता नहीं क्यों। वॉकिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, यही एक्सपीरियंस है यार यहाँ का, गजब प्लेस है कसम से। यस फाइनली काफ़ी सारे चलने के बाद ब्रेकफास्ट के प्लेस पर पहुँच चुके हैं। हेलो, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, कैसा रहा सुबह का सेशन? अच्छा था, अच्छा था। अच्छा था। ये क्या चल रहा है? हाय, आपका क्या चल रहा है? वही जो तेरा चल रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा? अरे आज मैं सब लोग इधर ही कर रहे हैं, सब लोगों के हाथ इधर ही जा रहे हैं। ये टी शर्ट पे जो लिखा है ना, मैडनेस इन गौतम, एक्चुअली दिस इज मैडनेस इन ब्रेकफास्ट सेक्शन। लंबी सी लाइन लगी हुई है, अभी 2 लाइन कर दी है। पहले तो 1 लाइन थी तो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था। अभी आपको दिखाते हैं, मतलब पता नहीं ब्रेकफास्ट में क्या है, पर दिखाता हूँ। ये वाली थाली भाई, मैंने हॉस्टल में भी ये वाली थाली मैंने नहीं खाया, पता है, मेरा इच्छा थी टेक्निकली। चम्मच दे देना यार, फैमिली पेपर एक्स्ट्रा ले लेना। क्या गुड मॉर्निंग भाई, तू क्या इंसान है। मैंने देखो उस वक्त हेल्प मांगी कि मेरे को चम्मच दे दे, और तू खुद की लाना भूल गया, फिर मेरे को यहाँ से वहाँ भेज दी चम्मच लेने के लिए। वैसे ब्रेकफास्ट में ये सेवैया बोलते हैं ना हम, मतलब बाबू में हम सेवैया बोलते थे इसको। क्या बोलते हैं जो ब्रेकफास्ट में, हाँ कौन सी सीलिंग, वर्मी सीलिंग क्या हो? अच्छा, ये है ना, वाली जो, ये है ब्रेकफास्ट में बेस्ट, काढ़ा है ये है और केला है। हर्बल टी, हर्बल टी है। इसने काढ़ा बोला तो मैंने काढ़ा बोल दिया। हर्बल टी है। चेस लूडो स्नेक्स लेटर सब कुछ। अबे इधर, अरे एक साथ ही कर लो यार, चार लोग। अंकिता मुझे डरा रही है कि काढ़े से बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर स्ट्रॉन्ग है। अरे नहीं खाना, खट्टी चटनी खिला दी यार। देखो मैं ये खाना खा रहा था तभी मेरे को एक मतलब कुछ पढ़ने में आया, मैं पढ़ के बताता हूँ यार। थोड़ा सा यू नो, नॉट थ्रोइंग दिस फूड बट समवन्स हार्ड वर्क एनर्जी एंड एफर्ट वाटर रिसोर्सेज एंड लव। मतलब कि खाना वेस्ट करने से पहले 5 बार सोचो, खाना पानी जो भी, पर वेस्ट मत करो। तो हम सारा खा लेंगे, टूट लेंगे और भी लेंगे, क्योंकि हमको दोपहर तक सर्वाइव करना है इस पे। ये वाली सीढ़ियां देख के पता है वो वाली मूवी का डायलॉग फील आ रहा है, वेयर इज द टेंपल, वेयर इज द टेंपल, वेयर इज द टेंपल।
पहले पहले लगा चलने में बहुत मजा आएगी, फिर मजा भी आई, और उसके बाद सीढ़ी देखे फाइनली पहुंच गए। हेलो एवरीवन, की नई वीडियो में पेड़ हूँ, पेड़ पेड़ और फूल भी, फूल वाली पेड़। यहाँ पे तो बच्चा है ना। हाँ, हाँ कैसा लग रहा है? अभी हमसे कुछ नहीं बोला, हम अभी डिस्प्रेशन में अभी हैं। डिस्प्रेशन में? डिस्प्रेशन। अरे खेल रहे सब यहाँ पे, तो बैट बॉल लाओ यार। भाई स्कूल के बाद अब हमारा ओरिएंटेशन हो रहा है, तो ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग यहाँ पे, तो सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे, बच्चों ने हमारे लिए वेलकम सॉन्ग रेडी किए हैं, तो लेट्स सी। बहुत ही क्यूट बच्चे सारे के सारे। भाई देखो, आप सबकी वॉइस बहुत ज़्यादा मस्त थी। ये देखो बच्चों से मेहनत करवा रही है। बताओ अंकिता कहाँ गई? अच्छा आई, थैंक यू, थैंक यू, बाय। डॉग एंड दी बोन। यहाँ पे भी गेम चल रहा है डॉग एंड द बोन, मुझे अब तक रूल समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, पर ट्राई करेंगे। फर्स्ट गेम इज बिटवीन जीतू एंड ब्रह्मी। ओ ले ला, अरे अरे टच नहीं करना है, ठीक है। अरे पहले राउंड बाद में रहता है यार, अगर ये वो उनके लिए भी जा रहा है, मैं थोड़ा ऐसा दिखाना पड़ेगा अपने। सारी स्ट्रेटेजी लगा के गई थी और फिर ये किया। तूने हमारे ग्रुप की नाक कटा दी यार, नाक काट दी तूने हमारे ग्रुप की। अपने को तू डिसअपॉइंटमेंट मेरे को बोल रही है, मेरे से गंदा था, तूने किया था यार। चल जा अंकिता। अच्छा हम नीचे से ऊपर शुरू कर रहे हैं, कोई नहीं, हम जीतेंगे, VRRCB लास्ट में ऊपर आएंगे। ये क्या कंपटीशन है, बोल मुझे अंदर से वाइब आ रही है, लटबंदी जीत जाएगी। मुझे भी। अरे एक ही टीम के दोनों निकले, हमारी टीम हमसे जीत गई, ये क्या बात हुई? मोए मोए हो गया अंकिता, ये तो मोए मोए हो गया, दोनों अपनी टीम के निकले। ये तो ये आ रही है। अच्छा आ गए ऑलरेडी, चलो चलो। एक अंकिता ने नाक कटाया, दूसरी अंकिता गई है, देखते हैं। अरे सेम टीम से फिर हो गए, अपनी टीम इतनी इंटरेस्टिंग है, हम कोई आ रहे हैं, बाकी सही हुआ। चार जन्म तक तेरे को सुनाएंगे अंकिता, तेरी नाक कटते कटते बची है। मेरे बचा ली अपनी नाक को, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली मैंने। टच हो गया था, टच टच नहीं, टच हुआ, टच हुआ था, टच हुआ था, टच हुआ था, टच हुआ था, टच हो गया था, टच हो गया था, टच हो गया था, जीत गए। मेरे को ये समझ में नहीं आया, अपने अपनी टीम वाले अपने खुद से क्यों भिड़ रहे थे बार बार। एक बार तो इनके साथ हाय,
You guys are very cute. We can make four lines. यहाँ पे गेम चल रही है जिसे बॉल पास करना है पीछे पीछे और पीछे वाला भाग के आगे जाएगा, ऐसी लाइन है काफी। सारी लाइनों ने चीटिंग की है, सारी लाइनों ने चीटिंग की है, सब ने चीटिंग की है। उसके दो रीजन है, एक तो सच में चीटिंग की है और दूसरा क्योंकि हम हार गए। अपने अच्छा खेला था, अपने फेयर खेला था, बाकी सब ने चीटिंग की है। चीटर चीटर, हम बैठ जाओ धरने पे। ये तो मौका है देखिए, बैठने की बात कर रहे हो। तो अभी हमको ग्रुप बनाने के लिए बोला है जिसमें बच्चे और बड़ों का मिला के सात का ग्रुप बनाना चाहिए। तो हमारा भी बहुत छोटा सा ग्रुप है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग हैं बस, ठीक है। हाँ वही तो, अंकित अंकित तो एक हो गया, ठीक है ना, और लड़के तो सारे एक ही होते हैं, ब्रो कोड दो ही हुए हैं। अच्छा पेंट वेंट करना है क्या, मजा आएगा। देखो या तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है या तो फिर आलसी है। जो हम जो जो हमने सोचा है पेंट करने का, वाओ यार ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। सुपर। चलो अब अलग अलग कलर लेते हैं ना, इन लोगों ने मस्त किया था, एक ही हाथ में अलग अलग कलर, नाइस। हाँ मस्त लग रहा है, लवली यार, जो भी है इतना मस्त लग रहा है। ये पूरा ओवरऑल होने के बाद कसम से इसको मैं घर पे लगा सकता हूँ, पता है। हम बेचेंगे इसको, ये हमारा आर्ट है। ये स्पेशल परफॉर्मेंस है, मैं म्यूजिक चेंज कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ओए तू आएगी ये बताना सही था, हम नहीं आ पाएंगे ये बताना जरूरी कैसे था। ये शी इज ट्राइंग टू पुट अस डाउन ना, पागल हो गई है। पेड़ नाइस टू मीट यू एंड वी हैड द बेस्ट ग्रुप, बेस्ट एक्चुअली। और ना इसके नीलामी करेंगे और पैसे भिजवाएंगे। गाइस ये देखो ये होता है एनिमल का लव, ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि अंदर बच्चे हैं और ये बच्चों का वेट कर रहे हैं, अंदर सारे के सारे बच्चे अंदर हैं, हाँ खेलते हैं ना इसके साथ। ये देखो ये डॉग यहाँ पे वेट करके सब बच्चों का वेट कर रहे हैं, देखा। हाँ देखो इसको बोलते हैं मल्टी ब्लॉगिंग, ब्लॉग में ब्लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लॉग होगा अपलोड एक दिन, एक काम करना, मैंने तो गाना बना दिया। योगा से शुरू करना है ब्लॉग, फिर बोलना योगा से ही होगा ब्लॉग। लर्निंग बच्चों के साथ खेल के ड्राइंग पेंटिंग करके जा रहे हैं। ये जो बोल रही है वही है सेम, इसलिए मैं बोलना नहीं हूँ यार मेरे को ना, कि अभी हमारा ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। हेलो मेरा इतना हो गया कि अब इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मैं इनके अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यहाँ पे हमने नारियल पेड़ देखा और यहाँ पे हमने देखा मैंगो ट्रीज, और भाई कितने सारे मैंगो लगे हुए हैं इसके ऊपर। क्या तुम मेरे सही टाइम पे कैमरा ऑन किया मैंने कसम से। क्या जी फोन चाहिए पकड़। नहीं बाय द वे वी मेट निहार रूम में। हम सारे यहाँ पे ना जुगाड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक इसका रूम था राइट एट द एंड ऑफ दिस कॉरिडोर, या सो देन वी थॉट ऑफ शिफ्टिंग हर नियर बाय, सो वी वन ऑफ द फ्रेंड जाग रही थी, शी इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूम एंड द पर्सन विथ हिम he had the room besides you, okay. I mean, so we were like same place, but still you got like different everyone, not only us, everyone got different rooms.